हेलो गुड मॉर्निंग। आज हमारा दिल्ली का सेकेंड डे का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है और हम जा रहे हैं हौज खास। हौज खास से जाएंगे JNU। अबे ऑन हुआ है फिर? हाँ भाई ऑन हुआ, क्या करते हैं। और JNU जाएंगे, फिर डियर पार्क और फिर कुतुब मीनार मतलब मेहरौली, और फिर अगर टाइम मिला तो कनॉट प्लेस। और मिलते हैं आपको अगले ट्रिप, अब हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हौज खास पहुंच चुके हैं। यहाँ पार्किंग में मैंने अपनी बाइक लगा दी है, बगल में एक मंदिर है उसी का पार्किंग है तो वहीं पे लगा दिया है। यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे हौज खास एरिया को। ये बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है, बिल्कुल पीसफुल है। बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको, देखो बिल्कुल पीसफुल एरिया है, बहुत ग्रीनरी बहुत है। असल में ये बिल्कुल फॉरेस्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, फिरोज शाह कोट। ये इलाका दिल्ली का पुरानी दिल्ली से भी पुराना इलाका है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ मुगल गुलाम वंश का शासन था उसी टाइम का है, उसी के ज़माने में इस जगह को डेवलप किया गया था। यहाँ पे उसके दौर का मकबरा सब दिखेगा। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, अभी अब दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग रास्ते में, वो आ जाए तो सभी चार लोग चलेंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन का सबसे पहला स्पॉट है, छोटी गुमटी कहते हैं इसको। इसके बारे में मैं अभी नेट पर सर्च कर रहा था, मुझे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन ये है कि ये किसी की कब्र है जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हिस्टोरिकली कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें लिखा हुआ यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम अच्छा ये तो बताया हुआ है कि ये इसको प्रोटेक्टेड एरियाज है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किसका है, कब बना। 14th century है, 14th century मतलब अराउंड 700 years बैक। ये इलाके के बारे में ख़ास बात यह है कि ये मुग़ल पीरियड से पहले का है। दिल्ली में जो मुग़ल आए लगभग 1550 के बाद ना, हुमायूं के आने से पहले, उस दौरान का है। उस दौरान भी यहाँ मुसलमानों का शासन था और गुलाम वंश का राज था यहाँ दिल्ली में, उन्हीं के शासन के दौरान इसको बनाया गया था। इसको कहते हैं छोटी गुमटी। ऊपर चढ़ने का भी है, चल के देखते हैं ऊपर चढ़ करके। तो छोटी गुमटी के ऊपर आए, कुछ खास नहीं दिखा यार, चलते हैं दूसरे किसी मॉन्यूमेंट के पास। ये आप पूरी तरह से देख सकते हो छोटी गुमटी को, ये इसका सही लोकेशन मार्क है। हमारे दोस्त लोग हेलमेट का जुगाड़ कर रहे हैं, देखो चार हेलमेट को एक ही जगह डाल दिया हूँ आमिर भाई की बाइक में। और अब हम लोग निकलेंगे, पहले तो गया था ये छोटी, क्या नाम था, छोटी गुंबद, कुछ खास नहीं था उसमें, फिर अगला स्पॉट की तरफ चलेंगे। ये हम लोग एक खूबसूरत से मंदिर की तरफ से गुजर रहे हैं, श्री नीलांचला टेम्पल। ये है ग्रीन पार्क में, ग्रीन पार्क हौज खास बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। इसको ग्रीन पार्क कहने का रीज़न शायद ये होगा क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत है। हमें किसी ने बताया कि यहाँ से 100 meters जाने के बाद ग्रीन पार्क आएगा, सॉरी मतलब डियर पार्क आएगा, तो 100 meters हम वॉक करके जाएंगे। बड़ा मस्त एरिया है, पीसफुल है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और ग्रीनरी बहुत है यहाँ, हरियाली। ये आगे हौज खास विलेज और इधर है हौज डियर पार्क की एंट्री, डियर पार्क हौज खास। एंजॉय द नेचर, एंजॉय द नेचर। हम लोग डियर पार्क का मज़ा ले रहे हैं, एक खूबसूरत सा पार्क है, बहुत बड़ा सा है। दिल्ली में ऐसे पार्क बहुत कम है क्योंकि फॉरेस्ट जानते हो आप, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यहाँ जो है सो बहुत ज़्यादा कटिंग हुई फॉरेस्ट की, और ये घर बनाने के लिए तो अब जगह कम पड़ गई है। और इधर कपल फ्रेंडली जगह है भाई, लेकिन लोग लगे रहते हैं। इसके अंदर सिर्फ खरगोश है, खरगोश मतलब रैबिट। देखो और नज़दीक से ले जा करके दिखाता हूँ, इतना क्यूट सब है ना। छोटा छोटा उसको लग रहा है कुछ खिलाने को मिल रहा है, काट रहा है, खा रहा है। अरे 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 जवान निकाल रहा है यार, तुम्हारा तो बढ़िया लगा। ये बत्तख नहीं है भैया, खरगोश है, खरगोश। उंगली नहीं कर सकते यार, ये बड़ा बढ़िया है यार, खा रहा।
कुछ हिस्टोरिकल साइट जैसा दिख रहा है ये इस पार्क के अंदर। देखते हैं अगर कुछ इस पर लिखा हुआ मिले तो समझ में आएगा एक्चुअली है क्या, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा समझना। मैंने ऐसा लग रहा है जैसे कि तुगलक टाइम में बना हुआ, गुलाम वंश के टाइम में ना इस तरह के आर्किटेक्चर बनते थे बड़े बड़े पत्थरों से, ये कुछ वैसा ही है। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली में ये है क्या, इसका रख रखाव भी चल रहा है। देख रहे हो ये बिल्डिंग बड़ी सी, इसका क्या यूज़ था, क्या पर्पज़ था बनाने का। अच्छा ये कब्रगाह है, बहुत सारी कब्रें हैं इसके अंदर। और जो इसका स्ट्रक्चर है वैसा देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नमाज वमाज होती थी क्या। पश्चिम की तरफ वो बना हुआ है, ऊपर में वो उर्दू में लिखा हुआ कुछ, वो तो कुरान की आयत लग रही है अरबी में। अरबी मत जाओ, कब्रिस्तान है। ठीक है, इसे कहते हैं बागे आलम का गुम्बद, और इसके बारे में और कोई ख़ास डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो अगर मुझे इंटरनेट पे कुछ मिला तो मैं वॉइस ओवर में डाल दूँगा कि बेसिकली ये था क्या, क्यों बना, किस एज में बना। ऊपर में एक गुम्बद टाइप का है, दूर से अच्छा दिखता बट यू नो मुझे थोड़ा दूर जाके इसका फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। इस जगह को देख कर ऐसा लगता है कि ये फॉरेस्ट के अंदर राजाओं के लिए, जो उस टाइम के रूलर थे, उनके लिए शिकार करने की कोई जगह रही होगी। और आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से बस 5 मिनट वॉक करके बाहर निकल के देखें, दोनों ही में लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में हो। ये बिल्कुल जंगल जैसा ना फॉरेस्ट एरिया है, और इसके जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट के वॉकिंग पे पूरा शहर स्टार्ट है। सामने भी एक मकबरा टाइप का है, हम लोग चल के देखते हैं कि वो है क्या। आज इसे पूरी तरह से इग्नोर किया गया है और लोग यहाँ पे आके दीवारों पे हार्ट बना करके अपने यू नो लवर्स और बिलव्ड के नाम लिखते हैं, बट किसी ज़माने में ये किसी शाह का, किसी शासक का या तो मकबरा रहा होगा या उसके रेस्ट करने की जगह रही होगी, वो वहाँ पे टाइम पास किया करते रहे होंगे। लेकिन आज ये पूरी तरह से उपेक्षित है, उपेक्षा का शिकार है। कोई रख रखाव नहीं है, रख रखाव के नाम पे बस इतना है एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, लेकिन जो इसकी हालत है लगता नहीं कभी मेंटेनेंस किया गया होगा इसमें। पता नहीं क्यों लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया यहाँ की दीवारों को, सब अपना अपना नाम लिख रखे हैं। इसको कहते थे काली गुमटी, गुमटी का मतलब समझा दिया था ना, गुम्बद को कहते हैं गुमटी, ऐसा मैंने इंटरनेट पर देखा। मुझे एक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिख रहा है सामने आपको दिख रहा हो तो, लेकिन ये भी बहुत ही बुरी हालत में है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इस पर तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं समझ सकते कि ये बेसिकली इसका नाम क्या है या कब बनाया गया, कुछ भी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन यह है कि आप जितने भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं हौज खास एरिया में या मेहरौली एरिया में, वो सारे के सारे ग़ुलाम वंश के दौरान बनाए गए थे, मुग़लों के आने से पहले का है ये। मुग़लों की इनसे बिल्कुल नहीं बनती थी, मुग़ल इन्हें इन्फेरियर समझते थे, लेकिन इंडिया के रूलर इससे मुग़लों से पहले यही थे। पृथ्वीराज चौहान जो आखिरी हिंदू रूलर थे, उसके बाद इन्होंने ही यहाँ पे शासन की नींव डाली थी ग़ुलाम वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक वो सब शासक बने इस वंश से निकल के। दिल्ली वालों को चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, खूब इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। डियर पार्क जिसके नाम पे पड़ा है वो एक्चुअल डियर आप यहाँ देख सकते हो, हिरन। पार्क में डियर है, रैबिट है, पीकॉक है। छोटे बच्चे घूम रहे। चलो इसके साथ ही ये ट्रिप यहाँ का हमारा ओवर होता है, अब हम स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में नए लोकेशन से। थैंक यू सो मच, बाय।